hello students we are going to read a new lesson poets and pancakes of flamingo book prose section 12th class up board and cbse board both it is part 2 we have read part first of this lesson this lesson is a big lesson so we shall read this lesson into three parts if we talk about the author writer of this lesson ashok mitran was writer of this lesson

बात कर रहा है लेखक कि वह जो सुब्बू है वो एक अमेजिंग एक्टर है बहुत ही विचित्र अभिनेता है ही नेवर एस्पायर्ड वो कभी भी चाह नहीं रखता है टू लीड रोल कि उसको कोई अच्छा रोल या मुख्य भूमिका किसी मूवी में मिले बट वट एवर सब्सिडेरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म लेकिन कोई भी छोटा मोटा रोल अगर वो किसी फिल्म में कर लेता है He performed better than better than the supposed main players. तो वो main players जो उस रोल का होता है उससे भी better play करता है कौन सिब्बू शब्बू सबसे बढ़िया play करता है इसीलिए उसको writer यहाँ पर amazing actor बोल रहा है He had an genuine love for anyone। वह किसी को भी बहुत अपरिहार्य प्रेम करता है बहुत ज़्यादा प्रेम करता है ही केम अक्रास एंड हिज हाउस वह वहाँ से अपने घर आना या स्टूडियो जाना वह जब परमानेंट रेजिडेंस फार अ दर्जन ऑफ नियर एंड फार रिलेशन एंड एक्वाइंटेंस उसके यहाँ दर्जनों लोग हमेशा आते जाते रहते हैं और उसका उसका घर अपना घर बना रखे हैं उसके रेजिडेंस परमानेंट हमेशा लोग आते रहते हैं लेखक कहता है कि वो उसके निकटतम होते हैं उसके रिलेटिव्स होते हैं या एकटेंस होते हैं मतलब परिचित होते हैं एक मीन्स परिचित रिलेशन रिलेट जानते ही हैं इट सीम्स अगेंस्ट सुब्बूज नेचर यह सुब्बू के नेचर के अगेंस्ट नहीं है ऐसा सुब्बू का नेचर ही है उसके ये विपरीत ही दिखाई देता है टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम वो बहुत ही चिंतित रहता है और जो भी उसके घर पे आते हैं उनको वो सपोर्ट करता है उनको खाना खिलाता है सो मैनी ऑफ देम सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोवियंट मैन वह बहुत ही दानी और बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का बड़ा ही अच्छा आदमी है एंड एट ही हैड एनमीज फिर भी उसके शत्रु हैं लेखक कहता है कि इतना अच्छा लड़का होने के बावजूद भी उसके शत्रु भी हैं उसी स्टूडियो में यद्यप उसके घर पे बहुत सारे लोग आते हैं उसके परिचित आते हैं उसके रिलेटिव्स आते हैं हमेशा उसके घर में लोगों का जमावड़ा रहता है लोगों को बनाता है खिलाता है फिर भी एनमीज़ हैं तो एनमीज़ का क्या कारण हो सकता है वाज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड एनी इंटीमेट विद द बॉस हो सकता है एनमी का ये कारण हो क्योंकि वो जो स्टूडियो का बॉस है उसके ज़्यादा निकट रहता है ज़्यादा क्लोज रहता है शायद इसलिए लोग जलन करते हैं उससे आर वाज इट हिज आर वाज इट हिज जनरल डेमेनोर या हो सकता है उसका ये साधारण स्वभाव ही हो डेमोर मीन्स होता है नोअर डेमेनर दे, मीन्स होता है स्वभाव ठीक है स्वभाव के कारण ही हो सकता है उसकी उसने अपने शत्रु बना लिए हो। क्यों उसका स्वभाव कैसा है दैट रिजेंबल साइकोफेंट्स क्योंकि वो चापलूस की तरह दिखाई देता है क्या स्वभाव है उसका चापलूस की तरह मतलब आर हिज रेडीनेस रेडीनेस टू से नाइस थिंग अबाउट एवरी थिंग क्योंकि वो हमेशा तैयार रहता है किसी भी चीज़ की प्रशंसा करने के लिए हर चीज़ को वो नाइस nice थिंग बोल देता है इन एनी केस किसी भी मैटर में देखा जाए दियर वाज दिस मैन यहाँ पर ये जो आदमी है शिब्बू इन द मेकअप डिपार्टमेंट जो मेकअप डिपार्टमेंट में है हु बिस द डायरेक्ट थिंग्स फॉर शिब्बू डायरेक्ट नहीं डा डायरेस्ट थिंग्स फॉर सिब्बू। मेकअप डिपार्टमेंट में भला ऐसा कौन है वो कौन लोग हैं जो सिब्बू के लिए हमेशा बहुत बेकार या बहुत बुरा हो जाए बड़ा गड़बड़ हो जाए उसके लिए सोचते हैं यू सा शुभ् आलबेज विद द बॉस आप हमेशा देखे होंगे कि जो शुभ् है वो हमेशा बॉस के साथ रहता है बट इन द अटेंडेंस रोल लेकिन हमेशा वो अटेंडेंस रोल में ही रहता है उनकी कमांड रिसीव करने में रहता है ही बात ग्रोप्ड अंडर आ डिपार्टमेंट कॉल स्टोरी डिपार्टमेंट लेकिन उसको जिस डिपार्टमेंट में रखा गया है उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है स्टोरी डिपार्टमेंट नाम है कंप्राइजिंग कम्पेरिजिंग अ लायर एंड एन असेंबली ऑफ़ राइटर्स एंड पोइट्स उस डिपार्टमेंट में अगर ध्यान से देखें तो एक लायर है वकील है और कुछ लेखक और कवियों का झुंड है जो इस्टोरी डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है लायर वाज़ आल्सो ऑफिशियली नोन एज अ लीगल एडवाइज़र लायर जो है उसको ऑफिशियली क्या जाना जाता है लीगल एडवाइज़र के नाम से जाना जाता है कि वो लीगल एडवाइज करता है कानूनी सलाह देता है बट एवरीबडी रिफर्ड टू हिम एज द अपोजिट लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उसको क्या कहते हैं लीगल एडवाइज़र के अपोजिट उसको संबोधित करते हैं मतलब लीगल एडवाइज़र नहीं है इलीगल एडवाइज़र है वो उसको इस तरह से लोग अपोजिट जो है उसके साथ बिहेव है करते हैं रिफर्ड करते हैं एंड एक्सट्रीमली टैलेंट एक्ट्रेस एक बहुत ही उम्दा कलाकार महिला कलाकार थी हु आज आल्सो एक्सट्रीमली डिपार्टमेंटल वन डिपार्टमेंटल जो बहुत ही अच्छे एक डिपार्टमेंटल से थी और वो क्या over the, over sets, वो sets कर रही थी वंस ब्लू ओवर दोर आन सेट्स वो सेट्स के ऊपर एक बार एक्टिंग कर रही थी वाइल एवरी वन स्टूड वाइट एवरी वन स्टूड जबकि सब व्यक्ति खड़े हुए थे संड और सब लोग सन खड़े हुए थे संड खड़े हुए थे मतलब स्टंड खड़े हुए थे सन्न खड़े हुए थे शांत खड़े हुए थे द लायर क्वाइटली स्विस्ट ऑन रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लायर ने क्या किया कि चुपके से जाकर के रिकॉर्डिंग करने वाला आ, क्या है इक्विपमेंट को ऑन कर दिया से फिर से देख लें आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो कभी 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 या कह सकते हैं बहुत ज्यादा हो जाती थी, मतलब गुस्से में हो गई थी वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स एक बार वो सेट्स के ऊपर एक्टिंग कर रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई आग बबूला हो गई वाइल एवरी वन स्टूड स्टंड सब लोग शांत हो गए और स्टंड हो गए भयभीत हो गए, ऐसा भी कह सकते हैं द लायर क्वाइटली स्विस्ट ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लायर गया और उसने जो रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट था कैमरा वगैरह ऑन कर दिया वैन द एक्ट्रेस पॉस्ड फॉर ब्रेथ जब उसका गुस्सा शांत हुआ वो बड़बड़ा चुकी और सांस लेने के लिए रुकी तब क्या होता है द लायर सेट हर वकील उससे जा करके के कहता है वन मिनट प्लीज कृपया एक मिनट आप ध्यान देंगी एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग को वो ऑन कर देता है जो रिकॉर्ड किया था दियर वाज नथिंग उसमें और कुछ नहीं था इनक्रिमिनेशन उस रिकॉर्डिंग में ना तो कोई आरोप लगाने वाली बात थी और ना ही अनमेंशनेबली फाउल था ना उसमें बुरा भला कहते कहते वो फाउल हो गई थी लेकिन वो जो तेज चिल्ला रही थी वो तो रिकॉर्डिंग में ही थी ही अबाउट द एक्ट्रेस एक्ट्रेस टायरेट्स अगेंस्ट द प्रोड्यूसर लेकिन उस एक्ट्रेस ने जो बोला था वो प्रोड्यूसर के अगेंस्ट था और प्रोड्यूसर को नाराज करने वाला था बट वैन सी हीयर हर वॉयस अगेन लेकिन जब उस उमदा कलाकार ने अपनी आवाज़ को पुनः सुना तो क्या होता है थ्रो द साउंड इक्विपमेंट जब साउंड इक्विपमेंट के द्वारा सुना सी वाज स्टक डम तो वो स्टक रह गई मतलब वो बहुत ही दम्भ रह गई अचंभित हो गई अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड ये जो लड़की कलाकार थी वो देहात से आई थी सी हैड नाट गान थ्रो ऑल द स्टेज ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस वो कभी भी इतने बड़े स्टेज पर नहीं गई थी ना तो उसको दुनियादारी का कोई अनुभव था दैट जनरली प्रसीड आप पोजिशन आप इम्पोर्टेंस इं, ना ही वो अपने पोजीशन आ, के महत्व को बहुत ज़्यादा साधारणता समझती थी सोफिस्टिकेशन दैट सी हैड फाउंड हर सेल्फ इनटू इन टू वो बहुत ही सोफिस्टिकेशन में चली गई मतलब भयभीत हो गई बेचैन हो गई और वह कैटापल्ड हो गई पुल्ड हो गई मतलब वो कह सकते हैं आ, इतना भयभीत हो गई कि उस डर से वो निकल नहीं पाई सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्राम द टेरर और वह फिर उस टेरर से उस भय से कभी वापस नहीं आ पाई जब उसने अपनी आवाज़ को दोबारा इंस्ट्रूमेंट पे सुना जो गुस्से में वो बोल रही थी सी फेल्ट दैट दे सी फेल्ट दैट डे वह उसी दिन फेल्ट हो गई चली गई ठीक है फेल्ट हो गई बीमार हो गई या चली गई लेफ्ट हो से होना चाहिए दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रिफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर यहाँ पर इस यहाँ पर इस घटना से क्या हुआ ये संक्षेप में एक अच्छे कलाकार के करियर का अंत हो गया द लीगल एडवाइज़र हु वाज आल्सो आ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट और जो वकील महाशय थे वह स्टोरी डिपार्टमेंट के एक मेंबर थे एक सदस्य थे हैड अनविटिंगली ब्राट अबाउट दैट उन्होंने भी इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया अनबिटिंगली ब्राट अबाउट दैट सैड एंड और अपने इस घटना को बहुत ही हृदय से लिया या बहुत गंभीरता से लिया और एंड भी उसका सैड में हुआ हुआ दुख में हुआ दुखांत हुआ वैल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट के बाकी सभी सभी जितने लोग थे उनका यूनिफॉर्म क्या होता था खादी धोती वो लोग खादी धोती पहनते थे विथ आ स्लाइटली ओवर एंड क्लमजली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट ओवर साइज ढीला ढाला और बड़े ही अच्छे ढंग से सिला हुआ टेलर्ड किया हुआ खादी शर्ट पहनते थे लेकिन लीगल एडवाइज़र क्या पहनता था वर पैंट एंड अ टाई लीगल एडवाइजर जो था वो पैंट्स पहनता था और टाई लगाता था एंड सम टाइम अ कोट और कभी कभी कोट भी पहन लेता था दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल वो ऐसी कोट होती थी जो बहुत भारी भरकम uh, की तरह दिखती थी आफिन ही लुक्ड एलोन एंड हेल्पलेस लेकिन वो लीगल एडवाइज़र प्रायः अपने आप को हेल्पलेस असहाय और अकेला महसूस करता था अब मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक वो हमेशा लॉजिकल आदमी था हमेशा लॉजिक पर बात करता था तार्किक शक्ति वाला आदमी था इन आ क्राउड ऑफ ड्रिमनर्स जो और डिपार्टमेंट में जितने लोग थे वो हवा हवाई थे लेकिन ये वकील महाशय जो थे ये लॉजिकल आदमी थे हमेशा तार्किक सोचते थे आ न्यूट्रल मैन इन द दसम्बली लेकिन उस असेंबली में ये तो एक न्यूट्रल मैन होकर रह गया क्योंकि इसके टक्कर का और कोई आदमी नहीं था आप गांधी टीज एंड खादिटीस ये बाकी असम्बली में सब गांधी टीज थे और खादी खादिटीज थे लेकिन ये अलग था गांधी टेस्ट एंड खादी टेस्ट मतलब गांधी के कपड़ों को पहनना और गांधी के विचारों से को फॉलो करना और खादी कपड़े पहनना ये कह सकते हैं लाइक सो मैनी आफ दोज और उन्हीं में से बहुत सारे लोग हुर क्लोज टू द वास जो मालिक के बहुत निकट थे मतलब स्टूडियो के मालिक के निकट थे ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म उसने उसको अलाउ किया गया कि वो एक फिल्म बनाए वो एक फिल्म करे थ्रो अ लाट ऑफ रॉ स्टक एंड पैंकेस वर यूज ऑन इट और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मेकअप के सामान और कच्ची चीज़ें ये सब यूज की जाएं। नाट मच केम ऑफ द फिल्म नाट मच केम ऑफ द फिल्म जो बहुत ज़्यादा फिल्म में नहीं अभी तक आया था ऐसा कह सकते हैं देन वन डे फिर एक दिन क्या होता है द बास क्लोज डाउन द इस्टोरी डिपार्टमेंट बॉस नाराज हुए और उन्होंने इस्टोरी डिपार्टमेंट को बंद ही कर दिया एंड दिस वाज पर और यह इसलिए हुआ शायद द ओनली इंस्टेंस इन आल हुम हिस्ट्री मानव के इतिहास में यह पहली बार हुआ वेर आ लायर लास्ट हिजॉब जब एक वकील को उससे उसके जॉब से छुटकारा मिला क्योंकि अब वो जब डिपार्टमेंट बंद हो गया तो उसको निकाल दिया गया बिकॉज द पोएट्स वर आक्स टू गो होम क्योंकि जो कवि वगैरह थे उनको भी बोला गया कि तुम घर चले जाओ जेमनी स्टूडियो वाज़ द फेवरेट हंट ऑफ द पोएट्स जेमनी स्टूडियो जो है वो बहुत ही प्रिय एक जगह होती थी कवियों के लिए लाइक यश डी एस योगी योगियर ये कवि का नाम है संगु सुब्रमण्यम कृष्ण शास्त्री हरिनाथन हरी हरी हरि दर द्रांथन एंड चट्टोपाध्याय ये सब कवियों के नाम हैं जिनके लिए जो जेमिनी स्टूडियो है वो बहुत ही फेवरेट जगह होती थी हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इट हैड एंड एक्सीलेंट मेस अच्छा इसमें एक बहुत ही सुंदर मेस भी था जहाँ पर खाना वगैरह नाश्ता बनता है विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट आल टाइम जहाँ से बन बन करके हमेशा अच्छी कॉफ़ी लोगों को पीने को दी जाती थी ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट दिन रात कॉफ़ी की पार्टी यहाँ पर होती रहती थी मेस में काफ़ी बड़ी अच्छी बनती थी दोज वर द डेज ये वो दिन थे वैन कांग्रेस रूलमेंट जब कांग्रेस रूल में थी प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ काफी बातचीत या मना करना और मीटिंग ये सब काफ़ी के दरमियान ही होते थे वाज द रेदर सेटिस्फाइंग ये बहुत ज़्यादा संतोषजनक इंटरटेनमेंट का एक साधन था बैरिंग द काफ़ी बॉयज़ काफ़ी बॉयज से काफ़ी मंगाना अ कपल ऑफ क्लर्क एवरीडे एवरी उसमें काफ़ी हाउस में कह सकते हैं जोड़े में लोग काफ़ी लेकर के चलते थे एवरीबडी इल्स एट द स्टूडियोज और प्रत्येक व्यक्ति लगभग स्टूडियो में रेडिएटेड लेजर आ प्र रिक्वेसिस्ट फॉर पोट्री प्रत्येक व्यक्ति आनंद लेता था पहले ही कही हुई कविताओं का इत्यादि मोस्ट ऑफ देम वर खादी उसमें से सब अधिकतम लोग वॉर खादी पहनते थे वियर की वेयर की सेकंड फॉर्म वॉर लिखी हुई है एंड वर्सिप्ड गांधी जी और गांधी जी की पूजा भी करते थे मतलब गांधी जी को मानते थे बट बियॉन्ड लेकिन इसके परे या इससे आगे की अगर बात करें दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल लेकिन ये लोग कोई पॉलिटिकल अप्रिसिएशन इनका नहीं था कि ये ये कोई राजनीति वहाँ पर कर रहे थे थाट ऑफ एनी काइंड किसी भी प्रकार से ये पॉलिटिक पॉलिटिक्स में लोग नहीं थे केवल गांधी जी के गांधी जी को मानते थे उनसे प्रभावित थे नेचुरली दे वर आल एवरेज ऑफ देम सॉरी नेचुरली दे वर आल एवरेज ऑफ द टर्म लगभग वहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो सबका जो टर्म था या जो सबका विरोध था वो क्या था कम्युनिज्म के प्रति था कम्युनिज्म का लगभग लेकिन लोग विरोध करते थे ठीक है गांधी जी की उपासना करते थे मतलब गांधी जी को मानते थे राजनीति से दूर रहते थे लेकिन कम्युनिज्म की वो लोग विरोधी थे अब कम्युनिज्म क्या है कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन एक कम्युनिस्ट आदमी जो होता है वो ईश्वर को ना मानने वाला आदमी होता है अर्थात नास्तिक होता है उसके लिए संसार में ईश्वर जैसी कोई चीज भगवान जैसी अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है चाइना वगैरह में ऐसे विचारक बहुत है ठीक है अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश को हमेशा तोड़ने की सोचते हैं और धार्मिक चीजों का हमेशा उपहास करते हैं आप आया दिन देखते होंगे ठीक है ही हैड नो ही हैड नो फिलियल आर कंजुअल लव उनके पास ना कोई तार्किक लव होता है न कोई प्रेम होता है न कोई सोच होती है कह सकते हैं ही हैड नो कम्पक्सन कंपंक्सन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स उनके पास कोई दया नहीं होती है कोई विचार नहीं होता है वो अपने माँ बाप को भी मार सकते हैं आर हे चिल्ड्रेन और अपने बच्चों को भी मार सकते हैं। एक कौन एक कम्युनिस्ट आदमी के बारे में बताया रहा है यहाँ पर राइटर ही वाज ऑलवेज आउट टू काज एंड स्प्रेड अनरेस्ट वो हमेशा जब घर से निकलता है एक कम्युनिस्ट आदमी तो हमेशा इस चाह में रहता है कि हम अशांति और वायलेंस फैलाएं एमंग द इनोसेंट किन के बीच में जो इनोसेंट हैं जो सीधे साधे हैं इग्नोरेंट हैं भोले भाले हैं निर्दोष हैं उन लोगों के बीच में हम अशांति और वायलेंस फैलाएं ऐसा करने के लिए वो निकलता है मतलब कम्युनिस्ट आदमी अपने माँ बाप को मार सकता है समाज के प्रति कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझता अपने बच्चों को मारने में उसको दया नहीं आती है हमेशा वो अशांति फैलाने के मूड में रहता है सच नेशन ह्च प्रिवेल्ड अच्छा ऐसे नोसंस को जो जो सच नोसंस ह्विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर ऐसे लोगों को हमेशा ये बात जो है हमेशा चारों तरफ फैली हुई थी और इसको रोकने की के लिए किया भी जा रहा था एवरीवेयर व्यर एल्स इन साउथ इंडिया दक्षिण भारत में ऐसी विचारधारा खूब प्रिवेल्ड थी खूब फैली हुई थी प्रिवेल्ड थी ठीक है एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम उसी समय की बात है नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वैगली एमंग द खादी क्लैड उसी समय की बात है कि जो खादी पहनने का ढंग था फैशन था ये भी खूब फल बढ़ रहा था खूब फैल रहा था लोग पहनते भी थे पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो के कवि वगैरह पहनते थे एविडेंस ऑफ इट एविडेंस ऑफ इट फोर्थ कमिंग जो इसमें होने वाली घटनाएं हैं वो जल्दी ही होने वाली हैं लेखक कहता है एविडेंस आपके इससे संबंधित जो एविडेंस हैं कह सकते हैं मतलब उदाहरण है या गवाह है वाहन फोर्थ कमिंग वो आगे आपको पता चलेंगे ऐसा भी समझ सकते हैं वैन फ्रैंक वहमेंस मोरल री आर आर्मामेंट आर्मी ये एक नाम है कह सकते हैं एक एक क्या कहते हैं संगठन है री आर्मामेंट बोहमैन यहाँ से देखें वैन फ्रैंक बोहमेंस मोरल री आर्मामेंट आर्मी ये इतना बड़ा नाम है कह सकते हैं वैन से वैन हटा दीजिए टू हंड्रेड स्ट्रांग जब यहाँ पर दो हंड्रेड लोग मतलब दो सौ लोग विजिटेड मद्रास मद्रास में आए कौन से लोग आए वो बोहमेंस मोरल आर्मामेंट आर्मी वाले थे जब आए मद्रास में तो क्या हुआ कब आए थे सम टाइम इन 1952 फिफ्टी 1952 या में किसी समय आए दे कुड नाट है फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जेमनी स्टूडियो तो इनको इतने पूरे इंडिया में जेमनी स्टूडियो की अपेक्षा स्वागत करने वाला या या रहने के लिए उचित स्थान और कहीं पर भी नहीं मिला यानी कि जैमिनी स्टूडियो इनके लिए सबसे अच्छा स्थान पूरे भारत में मिला कब जब उन्नीस में बहमंस मोरल रीआर्मामेंट वाले लोग आए उसमें कितने लोग थे 200 200 लोग थे ठीक है आए अब यहाँ से देखें सम वन कोई सम वन कॉल्ड द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल इसको कुछ लोग इंटरनेशनल समूह कहते थे क्योंकि इसमें कई देशों के लोग थे इंटरनेशनल सर्कस कहते थे इंटरनेशनल सर्कस का समूह दे वर नॉट वेरी गुड ये बहुत अच्छे नहीं थे ऑन द ऑन द ट्रेपजी ट्रेपजी करने में बहुत अच्छे नहीं थे ट्रेपजी करना सर्कस में सबसे ऊपर जो लकड़ी पकड़ के रस्सी पकड़ के झूला झूलते हैं वो करने में बहुत अच्छे नहीं थे एंड दियर अक्वाइंटेंस विथ एनिमल्स और ना ही ये जानवरों के साथ कोई सर्कस करने में बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे वाज ओनली एट द केवल जानवरों से केवल वो इतना परिचित थे अपने डिनर टेबल पे किस जानवर का मीट उनको खाने को मिल रहा है बस इतना ही वो जानते थे जानवर के बारे में बट दे प्रजेंटेड टू प्ले लेकिन इन्होंने दो प्ले प्रजेंट किया जैमनी स्टूडियो में दो प्ले का शूट किया इन आ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर बहुत ही व्यवसायिक मैनर से बड़े ही उचित ढंग से कह सकते हैं जिसकी मार्केटिंग खूब हुई वो प्ले कौन थे दियर जोनाथन वैली जोनाथन वैली के नाम से एक प्ले शूट किया गया एंड फारगाटन फैक्टर और फारगाटन फैक्टर के नाम से एक प्ले शूट किया गया इन लोगों के द्वारा रैन सेवरल शोज इन मद्रास इसके कई शो हुए पूरे मद्रास में एंड एलॉन्ग विथ द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी और इन्हीं के साथ दूसरे भी शहर के और बहुत सारे नागरिकों ने इस चीज़ को देखा द जेमनी फैमिली ऑफ सिक्स हंड्रेड सा द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन जेमनी स्टूडियो के जो 600 कर्मचारी थे उन्होंने भी इन दो प्ले को कई बार देखा ओवर एंड ओवर अगेन लिखा हुआ है द मैसेज ऑफ द प्ले वर वजयूजली प्लेन एंड सिंपल हुमिलीज जो मैसेज था प्ले का वो बहुत साधारण था यूजली प्लेन था ठीक है सिंपल था होमलीस था होमलीस था मतलब धार्मिक था बट द सेट एंड कस्टम्स वर फर्स्ट रेट लेकिन जो सेट था और जो इनका कस्टम्स था वो प्रथम श्रेणी में चल रहा था यानी कि लोग बहुत पसंद कर रहे थे मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो मद्रास है और तमिल दामा कम्युनिटी है वह टेरिबली टेरेबली इम्प्रेस्ड ये बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो गई थी इन लोगों से जो 200 सौ लोग जो आए थे ठीक है एंड फॉर सम ईयर्स आलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज और लगभग कुछ आगामी वर्षों तक जितने आने वाले वर्षों में जितने में तमिल के ड्रामा हुए नाटक हुए प्ले हुए हैड अ सीन ऑफ सनराइज सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोनाथन बैली जैसा कि जोनाथन बैली वाले प्ले में सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त होना दिखाया गया था वही सीन कई साल तक तमिल प्ले में लोगों ने दिखाया वही उसको अपना लिया मतलब इतना अच्छा वो लगा कह सकते हैं विथ विथ आ बेयर स्टेज आ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन और क्या अपनाया बेयर स्टेज वाइट बैकग्राउंड कर्टेन को अपनाया आ ट्यून प्लेड ऑन द फ्ल्यूट और जो ट्यून बजी हुई थी फ्लूट पर बांसुरी पर जो ध्वनि बजाई गई थी ये सब तमिल प्ले में कई साल तक अपनाया गया इट वाज समयर्स लेटर और कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ दैट आई लर्ड जब जैसा कि मैंने पढ़ा दर ए का पूरा नाम अभी ऊपर जो आपको बताया ये का पूरा नाम लिखा मोरल तो लेखक कहता है आई लर्न दैट दर ए वॉच काइंड ऑफ काउंटर एम आर ए एक प्रकार का एक काउंटर है या एक स्टेज है कह सकते हैं मूवमेंट है एक चलन है ठीक है टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म इंटरनेशनल कम्युनिज्म जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको ख़त्म करने का एक ये मोमेंट है जो उन्होंने इस प्ले के माध्यम से ख़त्म करने की कोशिश की एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन मिस्टर वासन की तरह और भी जितने अमीर लोग थे मद्रास के सिंपली प्लेड इन टू हैंड्स उन लोगों ने आराम से इनके हाथों की कठपुतली हो गए मतलब ये लोग जैसे चाहे हमारे वाले उनको यूज किए सिंपली प्लेड इन टू दियर हैंड्स आई एम नॉट श्योर मुझे विश्वास नहीं है मुझे भरोसा नहीं है हाउ एअर दैट दिस वाज इडीड द केस ये कैसे हुआ वास्तव में ये कैसे हुआ ये घटना कैसे हुई फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ बिग बॉसेस कि जितने भी अमीर लोग थे मद्रास के बिग बॉसेस जो थे वो अनचेंजेबल जो थे वो इसमें फंस गए और इनका साथ दिया इनके साथ रह करके काम किया एंड दियर इंटरप्राइस रिमेंड द सेम एम आर ए आर नाट एम आर ए और इनका जो इंटरप्राइस था वो रहा रह गया कह सकते हैं अब उसमें एम हो या ना हो इंटरनेशनल कम्युनिज्म आर नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या ना हो पर जो मद्रास के बिग बॉसिस थे और क्या कह सकते हैं अमीर लोग थे वो इनके हाथ की कठपुतली बन के रह गए द स्टाफ ऑफ जेमनी स्टूडियो जेमनी स्टूडियो का पूरा स्टाफ जो था पूरा समूह जो था काम करने का हेड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 हंड्रेड पीपल ऑफ आल ह्यूज एंड साइज ऑफ़ द लीस्ट ट्वेंटी नेशनॉलिटीज जेमनी स्टूडियो का स्टाफ बहुत ही खुश था इन लोगों का स्वागत करके क्योंकि इसमें 200 लोग थे और जो लगभग 20 कंट्रीज से थे ठीक है साइज ऑफ एट लीस्ट ट्वेंटी नेशनॉलिटीज लगभग 20 देशों के लोग वहाँ पर थे इट वॉज़ सच अ चेंज फ्राम द यूजअल कलेक्शन ऑफ द क्राउड ये एक प्रकार का सही माने में बदलाव था इट वाज सच आ चेंज फ्राम द यूजल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाई द आफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट मेकअप डिपार्टमेंट में मेकअप करने वाले जो ऑफिस के लड़के थे जो मेकअप करते थे उनके लिए इतनी बड़ी भीड़ का मेकअप करना एक ये आनंद भरा काम था क्योंकि वो लोग अपने काम से उब गए थे थोड़ा हटकर अब कुछ करने को उनको मिल रहा था आ फ्यू मंथ्स लेटर कुछ महीनों के बाद क्या होता है द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बस्ड टेलीफोन की घंटियाँ मद्रास के अमीर लोगों की फिर बजना शुरू हो जाती हैं एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो और पुनः जेमिनी स्टूडियो में हम लोगों के साथ क्या हुआ क्लियर अ होल शूटिंग स्टेज पूरे शूटिंग स्टेज को कर सही करना पड़ा टू वेलकम एंड अदर विजिटर ये सूचना मिली कि कोई नया विजिटर आने वाला है जेमिनी स्टूडियो में इसलिए पूरी तैयारी जेमिनी स्टूडियो की पुनः करनी पड़ी आल दे सेड वो सब ये कहते थे ये सुनने में आ रहा था कि ही वाज आ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड इंग्लैंड से कोई कवि आने वाला है शूट करने के लिए देन द बोनली द ओनली पोइट होना चाहिए द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमनी स्टाफ न्यू इंग्लैंड के जो पोएट थे उसमें जो जेमनी स्टाफ है केवल उन्हीं कवियों को जानता था या सुना था वर ही वर्सवर्थ आर टेनिसन केवल वर वर्सवर्थ या टेनिसन के बारे में सुन रखा था द मोर लिटरेट वंस और जो बहुत कुछ पढ़े लिखे भी लोग थे उस जेमिनी स्टूडियो में न्यू आफ किट्स वो किट्स या शैली या बैरन के बारे में भी जानते थे एंड वन आर टू माइट है फेंटली कम टू टू नो आप द सम बडी आप द नेम ऑफ इलियट या जेमनी स्टूडियो के एक दो इक्का दुक्का लोग कह सकते हैं मुश्किल से बहुत कम मात्रा में फेंटली कम टू नो आप द सम वन समन बाई द नेम ऑफ इलियट एलियट के नाम से किसी तरह से ही परिचित थे बाकी बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के पोर्ट के बारे में जेमिनी स्टूडियो वालों को पता नहीं था हु आज द पोइट विजिटिंग कौन सा कवि जो है आ रहा है जेमनी स्टूडियो में नाव ये एक प्रश्न उनके मन में था ही इज नाट अ पोइट लेकिन जो आ रहा था वो कोई पोइट नहीं था ही इज एन एडिटर वो एक एडिटर था मतलब कह सकते हैं एडिटर uh, था यानी कि वो संपादक था कह सकते हैं द दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिस्पेक्ट इसी कारण से जो जेमनी स्टूडियो के मालिक हैं वास वासन वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे बहुत ज़्यादा बिग रिसेप्शन कर रहे थे उसके लिए रिस्पेक्ट में वासन वाज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर वासन भी जो जेमनी स्टूडियो के मालिक हैं वो भी एक संपादक हैं और एक प्रसिद्ध संपादक हैं पॉपुलर चीज़ के संपादक हैं वो क्या है तमिल बिकली आनंदा बिक्टम ये तमिल में साप्ताहिक कोई अखबार है या क्या है उसके ये वासन भी संपादक हैं इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बिग रिसेप्शन करने वाले थे स्वागत करने वाले थे उस आने वाले का ये रहा स्टूडेंट्स आपका सेकेंड क्लास ऑफ दिस लेसन ठीक है ये लेसन बड़ा है फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा उसको कहते सुब्बू के बारे में पढ़ा राइटर के बारे में पढ़ा स्टूडियो के बारे में पढ़ा और उसी में क्या है वो गवर्नर के बारे में पढ़ा ठीक है और इसमें अब एक लायर की कहानी आ जाती है सेकंड जो क्लास होती है लायर की कहानी आ जाती है और वो एक्टर ये एक जो एक्टर है बड़ी इंटेलिजेंट थी लेकिन बड़ा गुस्सा के स्टेज पर इत्यादि के बारे में पढ़ा अब इसके बाद में फिर एम के बारे में इसी में बताया गया एम ने कुछ शूट किया दो दो चीज़ों का शूटिंग किया और वो खोप चला जेमिनी स्टूडियो के मालिक और मद्रास के अमीर लोग उनके चाल में फंस गए और थोड़ा सा इसमें क्या बताया लेखक ने कम्युनिज्म के बारे में बताया कम्युनिस्ट कैसा सोचता है आदि तो कुल मिला करके ये एक लेसन ना होकर के अलग अलग तरह की जानकारी देने वाला एक प्लेटफॉर्म समझ लीजिए एक निबंध है या क्या है एक न्यूज़ है ठीक है अब उसमें पोइट्स एंड पैंके जैसे लेसन का नाम ही है तो उस तरह से है थैंक्स स्टूडेंट्स आप लोग इसको पढ़ें समझने की कोशिश करें दो तीन बार पढ़ेंगे अच्छे से आ जाएगा मेरी मेहनत खत्म हुई अब आपकी मेहनत शुरू है अगली क्लास आपको अगले दिन थैंक यू